नमस्कार दोस्तों, बादलों के सीना चीरकर उड़ने वाले पक्षी बाज के बारे में आप भलीभांति जानते हैं। बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है। यह 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। बाज शक्ति और श्रेष्ठता के जीवित प्रतीक के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे खतरनाक शिकारी बाज से जुड़े रोचक तत्व के बारे में मेरे चैनल मिक्स नेचर में। दोस्तों, विश्व में बाज की 60 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। बाज की अधिकांश प्रजाति यूरेशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। इस क्षेत्र के बाहर मात्र 28 प्रजातियां हैं। प्रजातियों के आधार पर बाज का जीवन काल 24 से 34 साल की अंदर होती है। वातावरण के अनुसार इसकी लंबाई और वजन होती है। जंगल में रहने वाले बाज के पंखों का आकार छोटा होता है और वही खुले क्षेत्रों में रहने वाले बाज का पंखों का विस्तार अधिक है। नर बाज की वजन लगभग 4 से 5 केजी होती है। बाज की सबसे छोटी प्रजाति दक्षिण निकोबार की सरपेंट ईगल है, जिसका वजन 450 ग्राम, लंबाई 40 सेंटीमीटर होती है। लंबाई और पंखों के विस्तार के आधार पर फिलिपाइन बाज विश्व में सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है और हार्पी ईगल वजन और आकार के हिसाब से सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है। हार्पी ईगल का वजन लगभग 9 केजी होता है। बाज की सभी प्रजातियों की मादा नर से आकार में बड़ी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अंतर का यह कारण हो सकता है कि नर और मादा घोंसले के कर्तव्यों को विभाजित करते हैं। बाज दिनचर्या, मतलब ये दिन भर सक्रिय रहते हैं और रात को सोते हैं। इनकी आंखें दिमाग के वजन में बड़ी होती है। बाज एक तरह से आंख बंद करके भी देख सकते हैं। उनकी पलकों में एक झिल्ली होती है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए इस झिल्ली को बंद कर सकते हैं। यह झिल्ली उनके आंखों को नम और साफ करने का भी काम करती है। बाज अपनी आंख बहुत ज्यादा घुमा नहीं सकता, लेकिन उल्लू की तरह अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। बाज की चोंच मनुष्य की बाल और नाखून की तरह टूटने के बाद फिर से उग सकती है। ऐसा इसमें पाया जाने वाला केराटिन की कारण होता है। इस पक्षी को हर रोज खाने की जरूरत नहीं, उनके पास एक विशेष पाचन अंग क्रॉप होती है। बाज इसमें भोजन बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके रख सकता है। स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाला कुछ बाज के घोंसले इतने बड़े होते हैं कि उसकी वजन से पेड़ गिर जाता है। बाज 3 से 4 अंडे देती है एक समय पर। इसमें से बच्चा निकलने का समय 34 दिन है। एक जुबा बाज को इगलेट कहा जाता है। जन्म के 3 हफ्ते में इनकी वजन 3 से 4 किलो तक बढ़ सकता है। यह बच्चों का अपनी नाखून बढ़ाने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। गोल्डन ईगल 320 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। बाज के द्वारा किया गया सबसे बड़ा शिकार था ड्यूकर डियर, जिसका वजन 37 किलोग्राम था, जो इसे मारने वाले मार्टियल ईगल से 7 से 9 गुना अधिक था। बाज जीवन भर एक ही साथी के साथ समूह करता है। बाल्ड ईगल उड़ते समय भी समूह कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि 2400 वर्ष पूर्व न्यूजीलैंड में विशाल बाज रहा करता था। उनका पंखों का विस्तार 3 मीटर तक हुआ करता था। बाज के पंखों में हवाई जहाज के तुलना में ज्यादा शक्ति और मजबूती होता है। कई देशों में बाज को अच्छा माना जाता है, इसलिए कई देशों के झंडों में ईगल का तस्वीर है। अमेरिका में यदि आपको जमीन पर बाल्ड ईगल का पंख मिलता है तो उसे उठाने के लिए आपको अनुमति चाहिए, क्योंकि इसकी वहाँ बहुत मांग है। पर अमेरिका में बाज पकड़ना गैर कानूनी है। मंगोलिया के खानाबदोश शिकारी 4 साल के गोल्डन बाज को पकड़कर उसे शिकार में अपना साथी बनाने के लिए ट्रेन करता है। 10 साल तक ये बाज के साथ ही रहते हैं और खाते हैं, और फिर इसकी मृत्यु के पहले इसे जंगल में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आशा है आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हैं। जानकारी पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी भरा वीडियो आप तक पहुंचा पाए। मेरी सभी फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको देखनी है तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। आपका शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।